नीता आप क्रिश्चियन जी आपके शोहर मुसलमान हैं, जी बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं इस्लाम इस्लाम तो आपका क्या इरादा है इन फ्यूचर मेरा हाँ एज इन कन्वर्ट करने का yes. कर? Uh, नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है।, है और ना ही मुझे कोई प्रेशर है हसन की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से अक्सर इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं आ, लेकिन मुझे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा उससे अच्छा हाँ। आपके लेकिन एक बात है सुनीता पूरा खानदान मुसलमान है आपका तो कहीं ना कहीं कोई फूप्पो खाला ताई कहीं ना कहीं हल्की-फुल्की आपको कहीं ना मेरा कहीं बोल देता है मेरा खानदान एस इन मेरी आ... आपके ससुराल मेरे ससुराल हाँ ओके तो फिर तो वो कहीं ना कहीं कह तो देते होंगे आपको मेरे अपने घर वाले जी ससुराल वाले ससुराल वाले नहीं अच्छा नहीं नहीं मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे है सब कि मुसलमान हो जाओ और ये इस तरफ आ जाओ इस तरीके की बात अभी तो तक तो किसी ने नहीं, नहीं बोला नहीं नहीं वो तो आपकी चॉइस है जाहिर है हाँ। ये तो जब आप करें अल्लाह आपको हिदायत दे तो सख्त क्यों ना बिल्कुल अगर होना भी है तो दिल से होए बंदा वरना ना ही हो तो बेहतर है नहीं नहीं बेहतरीन है बेहतरीन है अच्छा इसमें वैसे सुनीता प्रॉब्लम नहीं आती बच्चे क्या फॉलो करें आप देखिए अगर आप शुरू से ही इस बात को समझ लेना तो आगे चल के फिर प्रॉब्लम्स नहीं होती हमारी जब शादी नहीं हुई थी होने वाली थी उसी वक्त ये चीज़ डिसाइडेड हो गई थी कि जब बच्चे होंगे तो वो इस्लाम ही फॉलो करेंगे क्योंकि ये एक ट्रेंड है कि मैं रह रही हूँ अपने इन लॉज के साथ तो वो उनको ज़्यादा बेहतर सिखा सकेंगे बजाय इसके कि मैं उनको बीच में लटका देती कि नहीं भाई तुम बड़े होके डिसाइड करो अक्सर ये आजकल नया ट्रेंड भी चल रहा है ना कि बड़े होके बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि वो उन्होंने किस रिलीजन पे जाना है लेकिन आप पाकिस्तान में रह रहे हैं आपका बाप मुसलमान है आपका दादा दादी सब घर में सब मुसलमान हैं वो ज़्यादा बेहतर उनको टीच कर सकेंगे और एक कल्चरल चीज़ भी है कि वो बाप के हवाले से ही चल रहे होते हैं राइट आपका नाम भी है जी नाम भी आपका सर नेम भी फादर की तरफ से आता है तो फिर नॉट और अब देखिए मेरे बच्चे जो हैं वो कुरान पढ़ते हैं नमाजें पढ़ते हैं रोजे रखते हैं तो उनको मैंने एक ही डायरेक्शन में रखवाया ना वरना वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे इज गोइंग थी माशा शादी किस तरीके से हुई थी इस्लामिक तरीके से या क्रिस्टैनिटी के हिसाब से दोनों तरीके से वाकई वो इस तरह की पहले पहले निकाह हुआ निका पे आ, मेरा कोई नाम वाम चेंज नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं था ना सही. ही मैंने कलमा वलमा कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि ये जायज़ है ये भी बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन है आ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जायज नहीं है क्या चीज़ आ, मुस्लिम और क्रिश्चियन लड़की का निकाह नहीं पहले किताब में बिल्कुल जायज है बिल्कुल बिल्कुल सही. आ, तो मान लें जो लोग नहीं मानते हैं वो मान लें कि हाँ भाई ये जायज है तो हमारा पहले मुसलमान निकाह हुआ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चर्च में भी एक सरमनी करूं तो मेरे सारे दोस्त हसन की पूरी फैमिली मेरी फैमिली हम सब गए मैंने अपना वाइट गाउन भी पहना सरमनी भी हुई तो सब बड़े शौक से बड़े खुशी खुशी आए क्योंकि पहली दफा वो सब आ रहे थे चर्च तो उन लोग को सबको बड़ा मजा आया इंटरेस्टिंग की वजह तो फिल्म की कहानी लग रही है कितना टाइम हो गया शादी को हमें पंद्रह साल हो गए पंद्रह साल हो गए और माशाल्लाह कितने बच्चे दो नाम क्या है उनके बेटा है बड़ा 12 साल का राकिन राहिल राकिन राकिन हाँ k i n r w a k i n क्या मतलब है इसका इसका मतलब है रुकू करने वाला फिलिस्तीनी नाम है और बेटी जो है बेटी? वो 10 साल की है उसका नाम है ज़ैना ज़ैना हम इसका मतलब इसका मतलब है ब्यूटीफुल नाम बड़े इंटरेस्टिंग है आजकल तो बच्चों के नाम भी सुनीता उस हिसाब से रखे जा रहे हैं

टू बी ऑनेस्ट कि कोई नॉन मुस्लिम फैमिली से तो घर वाले जरा परेशान जरा होते हैं है। हमारे मुस्लिम कल्चर है तो क्या गैर मुस्लिमों में भी ये होता है कि मुसलमान का अगर रिश्ता अरे मुसलमान का रिश्ता अच्छा ये है वो क्योंकि वो लोग भी तो अपने हाँ बिल्कुल मेरे मेरी फैमिली की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम था उनको ये था कि मतलब सब क्रिश्चियन है हमारी फैमिली में और तुम तो वाहिद होगी जिसकी हस्बैंड हाँ मुस्लिम होंगे फिर बच्चे भी मुसलमान होंगे तो वो ऑब्वियसली खुश नहीं थे वो चाह रहे थे कि मेरी किसी क्रिश्चियन से ही हो लेकिन दिल आ गया था हसन <laughs> तो, वाह और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हसन की फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं था मेरी उनसे काफ़ी मुलाकातें थीं तो वो लोग मुझे पहले से ही पसंद करते थे तो उनकी तरफ से ज्यादा इशू नहीं था और बस फिर मेरी फैमिली को भी हमने ज़रा समझाया जब मुलाकातें हुई तो उनको भी अच्छी लगी फैमिली तो बस वाले वाले थे जी जी वाले साहब सब मिले सबकी आपस में मुलाकात हुई तो बस नहीं नहीं बात यह है भाई हमारी दुआ है आप बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजार रही हैं और गुजारे भी बकरे ही है बिल्कुल आने आपके घर पे कुर्बानी होती होती है बिल्कुल होती है बिल्कुल हम लोग इस दफा हम लो ने बहुत जल्दी बकरे ले लिएता तो तो ले 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 ले। मैंने भी बहुत जल्दी अपने बैल बछड़े गाय ऊट सब ले लिए रेटों में कोई फर्क नहीं आया सब छड़े हुए हैं व्यापारी अभी भी आप रेट लेने जाएंगे ना तो वो रेट वही दे रहे हैं ईद वाले आ, नहीं हमारे तो ही हैं सही का, है। लेकिन घर, में जो, जो घर में कुर्बानी होती है वो दो की होती है तो वो खैर होती है बड़ा मजा आता है हम लोग इन्जॉय करते हैं बकरा ईद भी मैं वैसे कुर्बानी नहीं देखती हूँ मेरी बेटी भी नहीं देखती उसको भी कुछ होता है बेटा मेरा देखता है और हसन तो खुद छुरी बुरी फेरते हैं। अच्छा हाँ 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 और घर में ही के अंदर ही हमारे जो पोर्च है उसमें कुर्बानी हो जाती है